हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर्स ऑन भारतीय न्याय संहिता, दैट इज द न्यू आईपीसी। ठीक है ना? तो टिल नाउ वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट सेक्शंस ऑफ बीएनएस, एंड टुडे वी विल बी सीइंग अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट विल बी यूज्ड इन द फ्यूचर। ठीक है? तो सेक्शन 113, दैट इज टेररिस्ट एक्ट, क्या है और क्या नहीं है टेररिस्ट एक्टिविटीज। ठीक है? तो 113 सेक्शन क्या कहता है? इट सेज हूएवर, मतलब मेल फीमेल ट्रांसजेंडर एवरीबॉडी, ठीक है, हूएवर डज एनी एक्ट विद इंटेंट, तो इंटेंशन है, ठीक है, इंटेंट टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है? कोई भी आदमी या कोई भी इंसान कोई ऐसा काम करता है, ठीक है, या ऐसा इंटेंशन रखता है, कैसा इंटेंशन, कि वो इंडिया की यूनिटी इंटेग्रिटी सोवरेनिटी सिक्योरिटी या इकोनॉमिक सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचा रहा है, थ्रेट पहुंचाने के इंटेंशन रखता है, ठीक है, और विद द इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर और लाइकली टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल। ठीक है? अगर वो कुछ ऐसा काम कर रहा है या कुछ ऐसा इंटेंशन रख रहा है कि जिससे टेरर हो जाएगा, या फिर लाइकली टू स्ट्राइक टेरर, मतलब उससे टेरर होने की संभावना है, ठीक है, इन द पीपल, मतलब लोगों के दिलों में दहशत, ठीक, और एनी सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया। नाउ यहाँ पे एनी सेक्शन ऑफ पीपल आ गया ना, तो जो कभी कभार वी विल सी कि कम्युनल वायलेंस हो जाता है ना, तो उसमें ये टेररिस्ट का एक्ट लग जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि भाई ये मेरे हिसाब से जो यूनिटी वाला एक्शन है ना, ये इंटीग्रिटी सोनिटी है, तो जो कम्युनल वॉयलेंस हो जाते हैं उसमें सेक्शन 113 लग जाएगा। ठीक है ना? और इन एनी फॉरेन कंट्री, ठीक है, पीपल इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री बाय यूजिंग बॉम्ब्स। ठीक है? अब टेररिस्ट एक्टिविटी क्या क्या मानी जाएगी? आपने या तो बॉम्ब यूज करा हो या डायनामाइट यूज करा हो और अदर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस और फायर आर्म्स, ठीक है, और पॉइजनस और नॉक्सियस गैसेस। ठीक है? पॉइजनस या नॉक्सियस गैसेस का इस्तेमाल हुआ हो उस टेररिस्ट एक्टिविटी में, या लीथल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ हो, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस पटाखे भी हो सकते हैं, तो आई एम जस्ट सेइंग कि दिस एक्ट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिंग इटसेल्फ टू फायर आर्म्स, इट ऑल्सो इट इज इंक्लूडिंग द वर्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है? तो भाई दिवाली पे पटाखा दूसरे के घर में गिर गया और उससे कम्युनल वायलेंस हो गई, तो भाई टेररिस्ट हो गए आप। ठीक है? अदर केमिकल्स और बाय एनी सब्सटेंस, वेदर बायोलॉजिकल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर और अदरवाइज ऑफ अ हजार्डस नेचर, बाय एनी अदर मीन्स ऑफ वट एवर नेचर टू कॉज और लाइकली टू कॉज डेथ, उस टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से डेथ हो गई है, इंजरी हो गया है आदमी को, ठीक है, इंसान को, प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, डैमेज हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया है। ठीक है? ठीक है? टेररिस्ट एक्टिविटी कब कब होगी? जब आप कोई ऐसा इंटेंशन रख रहे हो या ऐसा कोई काम कर रहे हो जिससे यूनिटी इंटीग्रिटी सोवरेनिटी इन सब वर्ड्स पे खतरा हो। ठीक है? उन सब चीज उन सब आपने क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करा हो, कि बॉम्ब्स का इस्तेमाल करा हो सकता है, डायनामाइट का इस्तेमाल करा हो सकता है, इन सब चीजों का इस्तेमाल करा हो सकता है, और उस चीजों की वजह से डेथ हो गई है या इंजरी हो गई है या लॉस या डैमेज हो गया प्रॉपर्टी का, डिस्ट्रक्शन हो गया प्रॉपर्टी का, ठीक है, या उन एक्टिविटीज से जो एसेंशियल सप्लाईज जो प्रोवाइड करी जाती है लोगों को वो पहुंचाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, या एसेंशियल सप्लाईज जो इंडिया बाहर की कंट्रीज को जो वीट वगैरह गेहूं वगैरह प्रोवाइड करता है वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो आपके ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटी लग जाएगा। डैमेज टू मॉनिटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ प्रोडक्शन और स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफिट इंटर पेपर करेंसी कॉइन और एनी अदर मटीरियल। ठीक है? आप अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी को ठेस पहुंचा रहे हैं, और रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पे जो इन्होंने क्लॉज 4 लगा दिया है, तो टेररिस्ट एक्टिविटीज नॉट ओनली बम धमाका कर दिया है, सैनिक मर गए हैं, ये नहीं है, यहाँ पे ये भी है कि आपने अगर काउंटरफीट इंडियन पेपर करेंसी, ठीक है, उसका स्मगलिंग कर दिया है, उसका सर्कुलेशन कर दिया, देन ऑल्सो यू आर अ टेररिस्ट। ठीक है ना? ये क्लॉज 4 से आ गया। डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया इन अ फॉरेन कंट्री यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन डिफेंस ऑफ इंडिया। अब कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपने दिक्कत पहुंचा दी जो फॉरेन कंट्री में इंडिया की, ठीक है, तो
तो आपके ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ऊपर टेरिस्ट एक्टिव फीस लग सकती है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी प्रॉपर्टी जो फॉरेन में है, अगर आपने उस पर डैमेज पहुंचा दिया है तो आपके ऊपर लग जाएगा। ठीक है, अब से जो कैनेडियन सिटीजन है उसने इंडियन एम्बेसी को तकलीफ पहुंचा दी, ठीक है, डैमेज कर दिया है, ठीक है, आई डोंट नो उसमें क्या केस होगा। ठीक है, ये देखना पड़ेगा कि ये बीएनएस ओनली इंडियन सिटीजन पे लगता है कि मान लीजिए कोई कैनेडियन सिटीजन है उसने इंडियन एम्बेसी को दगा आगा दिया, तब उससे क्या उस पर बीएनएस लगेगा, उस पर सेक्शन 113 टेररिज्म वाला एक्ट लगेगा कि नहीं, विल हैव टू सी दैट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि किसी पब्लिक फंक्शनरी को आपने क्रिमिनल फोर्स यूज करके उसको डरा धमका दिया, ऑल्सो यू आर टेररिस्ट। ठीक है, कितना वाइडन स्कोप कर दिया है इसको। ठीक है, वो असॉल्ट असॉल्ट नहीं है, सीधे क्रिमिनल, सीधे आप टेररिस्ट बन गए हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे सी कहता है डिटेन्स किडनैप्स और अबडक्ट्स एनी पर्सन एंड थ्रेटनिंग टू किल और इंजर सच अ पर्सन और डज एनी एक्ट इन ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर आपने कंपेल कर दिया किसी चीज कर कोई चीज करने के लिए, और वो कंपेल करने का तरीका ये है कि आपने डिटेन कर लिया किसी आदमी को, अबडक्ट कर लिया है, ठीक है, तो वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी में आ जाएगा। ठीक है ना, अब whoever commits a terrorist act shall, if such offence has resulted in death of a person, terrorist act की वजह से अगर death हो गई है किसी की, तो भाई imprisonment of life है। ठीक है, death punishment है और imprisonment of life life है, very very justified। ठीक है, death नहीं हुई है तो minimum sentence 5 years है, ठीक है, और maximum life imprisonment है। ठीक है, now अगर कोई आदमी अटेम्प्ट कर रहा है टू कमिट, हूएवर इज अटेम्प्टिंग टू कमिट, और एडवोकेट्स, एडवोकेट्स का मतलब होता है हु इज प्रमोटिंग टेररिज्म, ठीक है, या हेल्प कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, इंसाइट कर रहा है टेररिज्म, टेररिज्म करने के लिए सेक्शन 113 में जो कुछ भी दिया वो सब करने के लिए, डायरेक्टली और अनडायरेक्टली फैसिलिटेटिंग द कमीशन ऑफ एन टेररिस्ट एक्ट और एनी एक्ट प्रिपरेटरी टू द कमीशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ अ पम विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years। ठीक है, तो एबेट कर रहे हो आप, उसको प्रमोट कर रहे हो, तो भी 5 साल का मिनिमम पनिशमेंट है आपके ऊपर। अब टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए आप कोई कैंप लगा रहे हो, उस पर रिक्रूट कर रहे हो लोगों को, तो भी भाई आपको 5 साल की सजा है। ठीक है, मिनिमम 5 साल की सजा है, इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ भी हो सकता है। ठीक है, इफ यू आर अ मेंबर ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन हु इज इन्वॉल्व इन टेररिस्ट एक्ट, ठीक है, तब तो भाई इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का पनिशमेंट दे सकता है कोर्ट आपको। ठीक है, सिक्स्थ क्लॉज ये कहता है हु एवर वॉलेंटरली हार्बर्स और कंसील्स और अटेम्प्ट्स टू हार्बर और कंसील एनी पर्सन नोइंग दैट सच पर्सन हैज कमिटेड एन टेररिस्ट एक्ट। अब इफ यू नो दैट सर्टेन पर्सन हैज कमिटेड अ टेररिस्ट एक्ट और उसको आप हार्बर कर रहे हो, छुपा रहे हो, हार्बर कर किसी तरीके से उसको हेल्प कर रहे हो, खाना पानी दे रहे हो, घर में रुकने को दे रहे हो, तो आपको मिनिमम 3 साल की सजा होगी। ठीक है, नाउ यहां पे एक्सप्लेनेशन एक चीज ये है, इट इज हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी शैल डिसाइड वेदर टू रजिस्टर द केस अंडर दिस सेक्शन और अंडर अनलॉफुल प्रिवेंशन यूएपीए। ठीक है, वो कह रहा है कि यूएपीए के अंडर केस दर्ज होगा या सेक्शन 113 ऑफ बीएनएस के अंडर केस दर्ज होगा, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिसाइड करेगा। नाउ दोनों के अंडर कर सकता है, इसकी कहीं मनाही नहीं है, नो बडी हैज प्रोहिबिटेड द एसपी फ्रॉम डूइंग सो, बट यहाँ पे है कि आपको डिसाइड करना है कि किस दोनों के बीच में आपको केस दर्ज करना है। ठीक है, तो ये था सेक्शन 113 टेररिज्म क्या है, विच आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन और वेरी सेक्शन दैट विल बी यूज्ड अ लॉट इन दिस कंट्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनल टेंशन को भी आपने एक टेररिस्ट एक्टिविटी का नाम दे दिया है, तो वो तो काफी हुआ करता है। ठीक है, बंगाल वगैरह में हम लोग काफी ये न्यूज सुनते हैं, कश्मीर वगैरह में भी हम लोग काफी ये न्यूज सुनते हैं। ठीक है, तो ये रहा सेक्शन 113 भारतीय न्याय संहिता का टेररिज्म पर सेक्शन। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, हर्ट वगैरह देखेंगे क्या होता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।